हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी स्टेशन। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबके लिए नई खुशखबरी आ चुकी है। वह खुशखबरी उन स्टूडेंट के लिए है जिनका डीबीपीएसटी D7 से लेकर के D12 तक है। D7 से D12 के बीच जिनका भी डीबीपीएसटी है, उनके लिए एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए हम दिखाते हैं आपको, पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं और क्या बताया गया है D7 से D12 वालों के बीच। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन, ये बताया गया है, ठीक है। 30 नवंबर 2019 के नोटिस है। यहाँ पे लिखा गया उपयुक्त विषयक बोर्ड की अल्पसंख्यक सूचना विज्ञप्ति दिनांक 25/11/2019 द्वारा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के प्रथम चरण में D1 से D5, आप सबको पता है D1 से D5 के बीच हो रहा है, तक के अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 25/11/2019 को अपलोड करने अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की तिथियों का प्रकाशन तथा D6 से आगे तक की तिथियों का विवरण पृथक से बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने की सूचना प्रदर्शित की गई थी। अब आगे देखिए क्या कहा गया इसमें, जो न्यू लाइन है वो देखिए, दो नंबर पे सूचना ये सब छोड़िए चक्कर। द्वितीय चरण के लिए D7 से D12 तक के अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 3/12/2019 को शाम को अपलोड किया जाएगा। यानी कि जो D7 से D12 तक हैं उनका एडमिट कार्ड 3/12/2019 को अपलोड कर दिया जाएगा शाम को। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के दिवस D7 से D12 की तिथियों का विवरण निम्नवत है। डीबी दिवस है, तिथि है, दिवस है, आप देख सकते हैं। D6 जो दिया गया है ये आपका रिजर्व डे दिया गया है, इसमें किसी का है नहीं। तिथि दी गई 4/12/2019। D7 का दिया गया है 5/12/2019, यानी 5 दिसंबर को होगा D7 वालों का, D8 वालों का 6 दिसंबर को, D9 वालों का 7 दिसंबर को, D10 वालों का 8 दिसंबर को, D11 वालों का 9 दिसंबर को और D12 वालों का 10 दिसंबर को। बीच में जो रिजर्व लिखा हुआ है ये छुट्टी के दिन है, इसके विषय में आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब नीचे देख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। D7 से D12 तक के भर्तियों का दिनांक 3/12/2019 को यानी 3 दिसंबर को साई से उनका एडमिट कार्ड अपलोड कर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र पर तिथि व समय पर अपने सेंटर पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। D13 के आगे के दिवसों का विवरण पृथक से वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, सिग्नेचर वगैरह वेबसाइट पे आप लोग जाके भी देख सकते हैं। ये न्यूज़ एकदम 100% सही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके साथ पल पल बने हुए हैं, कोई भी खबर आ रही सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।